प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी की 99वीं जयंती पर इंदौर के पीसी सेठी अस्पताल में कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्या पढ़कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान पूर्व पार्षद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश मिंडा ने बताया कि ऐसे महापुरुष थे कि जिन्होंने अपने कार्यकाल में प्रदेश के जनमानस के लिए कई बड़े काम किए हैं। उन्हीं की याद में इंदौर में पीसी सेठी अस्पताल का निर्माण किया गया, जहां प्रतिदिन सैकड़ों मरीज स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री पीसी सेठी का जन्म राजस्थान के झालरापाटन में 10 अक्टूबर 1920 को हुआ था। कांग्रेसियों द्वारा इंदौर में सेठी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया। आज हम उस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिसने सेवा शब्द को सार्थक किया है। सेवा तो हर कोई करता है, लेकिन सेवा पे लोगों का विश्वास होना चाहिए। आज सेठी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी उनकी बात होती है तो हर एक के मुंह से निकलता है, यानी वास्तव में सेठी जी राजनीति में आए थे लेकिन लेके कुछ नहीं गए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे सुरेश मिंडा जी, आशीर्वाद जी, महेश जी, समस्त कांग्रेस जन और सेठी विचार मंच के साथ है। ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र सेठी का 99वां जन्म दिवस आज हम यहाँ मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र सेठी के चरणों में नमन करता हूँ और आदरणीय सेठी जी उस पीढ़ी के नेता हैं जिस पीढ़ी में चरित्र होता था, जिस पीढ़ी में ईमानदारी होती थी और जिस पीढ़ी में समाज के प्रति और कांग्रेस के प्रति वफादारी होती थी।